राधे कृष्णा आप सभी को उन्ति कृष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ ये देखिए हमने छः और सात नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस बनाई है और इसके साथ कैप भी है तो चलिए मैं पहना के दिखाती हूँ आपको ये देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल ये सात नंबर के लड्डू गोपाल हैं मेरे इस ड्रेस को छः नंबर को भी पहना सकते हैं और आठ नंबर को भी पहना सकते हैं ये देखिए तो चलिए बना लेते हैं हम हमने ये ड्रेस कैसे बनाई है कितने फंदे डाले तो चलिए बना लेते हैं ये देखिए सबसे पहले मैंने ये दो कलर की ऊन ली है ग्रीन और येलो कलर और नौ नंबर की सिलाई है मेरी आज हम पेंट वाली ड्रेस बनाएंगे और छ और सात नंबर के गोपाल के लिए तो चलिए मैं बना लेती हूँ उसके लिए पचास डाल डालने ये देखिए अंगूठे के ऊपर हमने उनको घुमाया सलाई को इस तरीके से इसके फंदे के अंदर डाला उनको ऐसे घुमाएंगे और उनको खींच लेंगे ये देखिए तीन फुंदे हो गए हमारे चार फुंदे पांच फुंदे तो चलिए मुझे इसमें पचास फुंदे डालने हैं, तो पचास फुंदे मैं डाल के फिर दिखाती हूँ आपको आगे हमें क्या करना है ये देखिए मैंने ये पचास फुंदे डाल लिए अब हम इसको बनाएंगे अपनी साइड में देखिए इस ऊन के टुकड़े को हम धागे में लपेट कर चलेंगे एक दो ये देखिए इस तरीके से मैं तो चलिए मैं इस सलाई को बना लेती हूँ और एक सिलाई और बना लेती हूँ सीधी साइड से फिर दिखाती हूँ आपको हमें आगे क्या करना है दो सिलाई बनानी है मुझे तो दोनों बना लेती हूँ ये देखिए मैंने दो सिलाई बना ली है एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से अब मैं उल्टी साइड में आ गई हूँ अब हम येलो कलर लगाएंगे ये देखिए एक फंदा येलो कलर से बनाएंगे और ग्रीन कलर के एक फुंदे को उतार लेंगे धागे को इस तरफ करके चलेंगे येलो कलर से एक फुंदा बुनना है और ग्रीन कलर का उतारना है हमें तो फिर से येलो कलर से एक फुंदा बनेंगे ग्रीन कलर के फुंदे को उतारेंगे और ग्रीन कलर का फुंदा हमने उतार लिया येलो से बनाएंगे उतार लिया येलो से एक फुंदा बनाएंगे और एक ग्रीन इसी तरीके से मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको हमें आगे क्या करना है ये देखिए मैंने ये सीधी साइड से सलाई बना ली है एक अब हम उल्टी साइड में आ गए हैं अब हम कलर चेंज करेंगे ये देखिए पहले हमने येलो कलर से बनाया था अब हम येलो कलर के फंदे को उतार लेंगे और ग्रीन कलर से बनाएंगे ये देखिए बनाया अब इसको हम येलो कलर के फंदे को उतारेंगे और ग्रीन कलर के फंदे को बनाएंगे उल्टी साइड से हमें धागे को आगे और पीछे नहीं करना है सीधे बनाना है ये देखिए येलो कलर के फंदे को उतारेंगे ग्रीन को बनाएंगे और धागे को ज़्यादा नहीं खींचना है बनाते समय ये देखिए कलर का फंदा हमने उतारा ग्रीन कलर का बना लिया येलो कलर का उतार लिया और ग्रीन कलर का फंदा हमने बना लिया तो इसी तरीके से मुझे ये सिलाई कंप्लीट करनी है तो चलिए मैं कर लेती हूँ देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई बना ली है अब मैं सीधी साइड में आ गई हूँ अब हम इसको अपनी साइड में बनाएंगे उल्टा ये देखिए धागे को हम पीछे करेंगे फंदे को उतार लेंगे धागा अपनी साइड में करेंगे आगे की साइड में और ग्रीन कलर के फंदे को बनाएंगे धागे को पीछे करेंगे येलो कलर का फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड में और ग्रीन कलर के फुंदे को हम बना लेंगे ये देखिए फिर से पीछे किया हमने येलो कलर के फुंदे को उतार लिया धागा अपनी साइड में किया और ग्रीन कलर के फंदे को हमने बना लिया और पीछे किया ये येलो कलर का फंदा हमने उतार लिया और आगे किया ग्रीन कलर का फंदा हमने बना लिया तो देखिए इसी तरीके से यही पैटर्न हमें पूरी पट्टी में बनाना है तो चलिए मैं बना लेती हूँ उसको फिर दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा बढ़ा के निया फिर दिखाती हूँ मैं आपको आगे क्या करना है एक उल्टी और एक सीधी साइड से दो सिलाई ग्रीन से बनेंगी और दो सिलाई येलो कलर से बनेंगी तो चलिए मैं बना लेती हूँ देखिए गिन लेते हम इसमें हमने कितनी सिलाई बनाई है एक ए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये बारहवीं सिलाई है हमारी तो बारह दिन ये चौबीस चौबीस सलाई हमने बना ली है इस पट्टी में अब हम सत्रह फंदे बंद करेंगे इसके अब देखिए मैं इसको घटा लेती हूँ सत्रह फंदे बंद करने मुझे तो दो फंदे का एक में बनाऊंगी ये देखिए ये देखिए इस फंदे को हम इस सलाई में चढ़ा लेंगे फिर से दो फंदे लेंगे और बना लेंगे ये देखिए इसी तरीके से ये देखिए इसी तरीके से मुझे सत्रह फंदे इधर बंद करने और सत्रह सोलह फंदे में बीच में रखूँगी फंदे बीच में रख के फिर दिखाती हूँ मैं आपको आगे हमें क्या करना है ये देखिए मैंने दोनों साइड से फंदे घटा दिए इधर से भी सत्रह फंदे बंद कर दिए और इधर से भी सत्रह फंदे बंद कर दिए बीच में सोलह फंदे रखे मैंने तो चलिए हम बना लेते हैं इनको ये देखिए एक दो तीन चार अब दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे एक दो ये देखिए एक दो चार फंदे बनाएंगे ग्रीन से और इस वाले धागे को हम इसके साथ लपेट के ले चलेंगे ये देखिए अब फिर हम दो फंदे ग्रीन से बनाएंगे एक दो अब चार फंदे हम येलो कलर से बना लेंगे इसी तरीके से हमें ये पट्टी बनानी है सीधी देखिए से फिर हम धागा अपनी साइड कर लेंगे ये बनाएंगे चार इस धागे को हम इधर करेंगे और ग्रीन कलर के धागे को हम अपनी साइड में करेंगे ये ग्रीन कलर के फंदे हम बना लेंगे ये देखिए फिर ग्रीन कलर के धागे को इधर करेंगे हम और येलो कलर के धागे को अपनी साइड में कर लेंगे तो हमें ये चार फंदे बनाने ये देखिए फिर हम येलो कलर के धागे को पीछे करेंगे और ग्रीन कलर के धागे को हम आगे की साइड में कर लेंगे देखिए अब ग्रीन कलर के धागे को हम पीछे की साइड में करेंगे और येलो कलर के धागे को आगे कर लेंगे तो इसी तरीके से मैं आठ सिलाई बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको हमें आगे क्या करना है ये देखिए मैंने इसकी आठ सिलाई बना ली एक दो तीन चार धारी वाली लाइन बना ली हूं। और नमी सिलाई मैंने बना ली है एक अब हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ये देखिए इसको बनाएंगे एक दो तीन चार अब इस फुंदे को हम पीछे की साइड में कर लेंगे इस धागे को और इस वाले धागे को हम आगे की साइड में अपनी साइड में कर लेंगे ये देखिए फिर इस धागे को पीछे की साइड में करेंगे और येलो कलर को अपनी साइड में कर लेंगे आगे की साइड में अब हम इसमें से दो फंदे बनाएंगे सोलह फंदे हमारे एक दो तीन चार चार पार्ट आठ फंदे इधर एक दो तीन चार आठ फंदे इधर और आठ फंदे इधर छोड़ दिए हमने तो अब हम इसको बनाएंगे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है अब हम एक ही पार्ट को बनाएंगे ये देखिए येलो कलर को बना लिया इस तरीके से और धागे को हम इस तरीके से रखेंगे और इससे ऐसे बनाएंगे फिर से धागे को हम ऊपर की साइड में करेंगे और इस तरीके से बना लेंगे अब देखिए इसको हम लपेट लेंगे ऐसे बनाएंगे देखिए हमें ये पूरी दोनों पट्टी इसी तरीके से बनानी है ये देखिए फिर से हम येलो कलर से बनाएंगे येलो को येलो से ही बनाएंगे और ग्रीन को ग्रीन से ही बनाएंगे ये देखिए अब हम इस धागे को पीछे की साइड में करेंगे और ग्रीन को आगे की साइड में करेंगे इस तरीके से हम इसको बना लेंगे ग्रीन को पीछे की साइड में करेंगे और येलो कलर को अपनी साइड में करेंगे आगे की साइड में इसको हम ऐसे बना लेंगे तो चलिए मैं इसी तरीके से ये मुझे पूरी पट्टी बनानी है और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर दिखाती हूँ आपको हमें आगे क्या करना है ये देखिए मैंने इस पट्टी को बना लिया है चौंतीस सलाई बनी है मेरी दोनों साइड की सत्रह धारियाँ बनी है इसकी और इस पट्टी को भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं देखिए बन कितनी प्यारी लगेगी हमारे लड्डू गोपाल को ये ड्रेस तो चलिए मैं बना लेती हूँ फिर दिखाऊँगी आपको हमें आगे क्या करना है ये देखिए मैंने इसकी दोनों पट्टी बना के तैयार कर लिए हैं ये देखिए हमने टोपे के लिए इसको बना लिया है पट्टी को सीधी और बंद कर दिया है हमने इसमें अट्ठाइस फंदे डाले हैं और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस सलाई बनाइए यानी बीस सलाई बन गई है हमारी दोनों ये देखिए मैं पहले इसमें एक नोट लगा लूँगी इस जगह पे अब मैं सारे धागे सुई में उतार लूँगी सारे फंदे हम सुई में उतार लेंगे तो चलिए मैं इनको उतार लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको आगे हमें क्या करना है ये देखिए मैंने इसमें डोरी डाल दी है क्रशिया से डोरी बनाई मैंने इसमें डाल दिए अब हम इसको सिल देंगे देखिए इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे और पूरा इसको सिलेंगे मैंने उनमें सुई डाल दी है और हम इसको इ, इसी जगह से सिलेंगे इसको पूरा बंद करेंगे तो चलिए मैं इसको इसी तरीके से सिल लेती हूँ इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ अंगूठा रख लेंगे हम इस जगह पे और इस सिलाई को यहाँ रख लेंगे अब इस जगह अब हम एक टाँका लगा देंगे देखिए ये यह यहाँ से सिल जाएगा अब हम इसको कट कर लेंगे ये देखिए अब हम इसको सीधा करेंगे हमारी पेंट कुछ इस तरीके से बन के आई है ये देखिए कैप को हमने सिल लिया है